हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 2 ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। 2.1 अपन ने पढ़ ली थी एडिशन और 2.2 है सब्ट्रैक्शन। यानी कि अपन 2.2 में क्या पढ़ने वाले हैं? सब्ट्रैक्शन पढ़ने वाले हैं, वो भी किसके? रेशनल नंबर्स के। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फॉलोइंग। तो कैसे किया था? सबसे पहले अपन ने क्या किया था, एलसीएम लिया था। 5 × 5 तो 7 − 2 तो 5/5 = 1 या गया इसका आंसर। इसी तरीके से इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 63 5 माइनस 21 का गया 3 टाइम और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3 × 6 = 18 तो 23/63 ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद है सब्ट्रैक्ट 4/5 फ्रॉम 6/7 तो 6/7 में से माइनस करना है अपन को 4/5। 4/5 का एलसीएम कितना है 35। 35 को 7 में दिया 5 टाइम 5 × 6 = 30 माइनस 5 का दिया 7 टाइम 7 × 4 = 28 तो इसको सॉल्व किया तो अपना आया 2/35। इसी तरीके से −7/11 फ्रॉम 1 यानी कि 1 में से माइनस करना है अपन को −7/11 तो एलसीएम कितना है 11 11 × 11 माइनस माइनस प्लस 7 18/11 ये हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज 1/77 इफ वन नंबर इज 3/7 फाइंड द अदर। लेट द नंबर इज एक्स यानी 4, 6, 4, 5, 6, 7, 8 जो क्वेश्चन है वो सेम इसी मेथड में है। लेट द नंबर इज एक्स, वन नंबर इज 3/7, अदर नंबर अपन ने एक्स मान लिया और दोनों का सम अपन को दे रखा है 1/77 तो यहां से अगर एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 1/77। इसको उस साइड में भेज देंगे, उस साइड में जाते ही माइनस का 3/7 तो एलसीएम कितना आया 77 वन टाइम और इधर 11 टाइम 33 11 × 3 = 33 तो माइनस का 32/77 क्योंकि माइनस के 31 है प्लस का 1 है तो माइनस का 32/77। इसी तरीके से वार्ड शुड बी एडेड टू −15/11 टू गेट −8/21 तो लेट द नंबर इज एक्स तो एक्स प्लस −50/19 −8/21 ये फाइंड करना है। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स इक्वल टू −8/21 और इसको उस साइड में देखें तो ये प्लस का हो जाएगा प्लस का 15/19 और इसको सॉल्व करना है बिल्कुल एलसीएम लेके। इसी तरीके से इतना मैं बता दिया हूं आपको, आगे सॉल्व कर लेना है। इसी तरीके से इसमें क्या करना है, वही लेट बी द नंबर इज एक्स तो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम तो 26/33 माइनस एक्स इक्वल टू −5/11 तो एक्स की वैल्यू इधर हो जाएगी, एक्स को उस साइड भेज देंगे तो एक्स 26/33 और इसको इस साइड भेज देंगे तो 5/11 इसको आपको सोल्व कर लेना है। कैसे करोगे, वही एलसीएम लेना है 33 आया तो 26 3 टाइम तो 5 × 3 = 15 तो ये हो गया अपना 41/33। इसी तरीके से इसको कर लेंगे दोनों एलसीएम लेके। अब लास्ट का क्वेश्चन नंबर 9 सिंपलीफाई
प्रोसेस वही सेम है सारे क्वेश्चंस में। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना यहाँ 30 एलसीएम लेना बताया था मैंने, दोबारा बता देता हूँ, 5, 15, 30 नंबर को लेंगे साथ में। तो सबसे पहले 2 का देंगे 5, 15 और 15, अब 2 का जाता नहीं है, 3 का देके देखेंगे, तो 5, 3 टाइम, 3 टाइम, 3 का देंगे, 3 का तो भी है तो 5 टाइम जाएगा है ना, तो 5 का 1, 1, 1, तो 5, 3 जा 15, 15 जा 30, आ गया 30। अब 5 का टेबल देंगे, इसमें 6 डिवाइड देंगे, 60 में 6 टाइम, 30 में 6 टाइम, 6 2 जा 12 है, -2 टाइम, 3 2 जा 6, +1 टाइम 7, तो प्लस का 19 और माइनस का 6, तो 13/12 आंसर क्या आया, 13/20 13/30 तो 13/30, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट। ओके, थैंक यू।